श्री सद्गुरु महाराज की जय पूज्य पाद महर्षि परमहंस जी महाराज का प्रवचन शब के शब नाशवान है इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान परम ध्यान है तेजो बिंदु परिषद में लिखा है तेजो तेजोविंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम आज के दिन कुछ लोग दीपक जलाकर उसकी ज्योति का ध्यान करते हैं कोई कोई मोमबत्ती जलाकर उसका ध्यान करते हैं कोई आंखों को जोर से दबाने पर जो ज्योति मालूम पड़ती है उसका ध्यान करते हैं कोई कल्पना करते हैं कि उनके गुरु से या इष्ट से ज्योति आ रही है उस ज्योति का ध्यान करते हैं लेकिन ये सारे के सारे काल्पनिक ज्योति ध्यान है वास्तविक ज्योति आपके अंदर है उसके ज्योति को जगाइए तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय मृत्योर मां अमृतगमय को रटते रटते जीव मोटी हो जाए लेकिन कभी उस चोटी पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर ज्योति के दर्शन होते हैं जरा हृदय पर हथेली रखकर सोचिए आज तक बहुत से मंत्रों का पाठ किया किंतु क्या कभी ज्योति के दर्शन हुए ज्योति दर्शन कैसे होते हैं इसका सही भेद जानिए रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा की स्वर्ग सुख की स्वल्पता नरतन की दुर्लभता क्षणभंगुरता तथा उपादेयता का उपदेश करते हुए अंत में कहा था औरव एक गुप्त मत सब ही करजोरी कर शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी एक बहुत बड़े रामायणी पंडित जी भागलपुर शहर में आए थे वे घूमते घूमते आ गए थे कुप्पाघाट आश्रम अपना परिचय देते हुए उन्होंने बतलाया कि वे रामायण बाँचने के लिए वहां आए थे मैंने कहा बड़ी कृपा की महाराज आपने दर्शन देने की कहिए आपकी क्या सेवा की जाए उन्होंने कहा नहीं ऐसे देखने के लिए आ गया मैंने पूछा आप तो रामायण पारायण करते करते उसमें पारंगत हो गए होंगे उन्होंने स्वगर्व उत्तर दिया हाँ आप रामायण में जहाँ जो कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं मैंने पूछा भगवान श्री राम ने अपने प्रजा को गुप्त मत बतलाया था वह क्या था उन्होंने उत्तर दिया हाँ हाँ यह तो रामचरित मानस के कांड में है और एक गुप्त मत मैंने कहा पंडित जी यदि आप इसका अर्थ भी बतला देते तो बड़ा अच्छा होता उन्होंने कहा हाँ सुनिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे सबकी मर्यादा रखते थे इसीलिए नम्रता पूर्वक प्रजा के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है मैं एक गुप्त मत बतला रहा हूँ कि शंकर भजन किए बिना कोई भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता मैंने कहा पंडित जी तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो शंकर का भक्त नहीं होंगे वे राम के भक्त नहीं हो सकते उन्होंने कहा हां राम भक्त बनने के लिए शंकर भक्त तो बनना ही पड़ेगा मैंने कहा आप श्री लक्ष्मण जी बालीपुत्र अंगद जी श्री हनुमान जी को राम के भक्त मानते हैं पंडित जी ने कहा हां क्यों नहीं ये सबके सब राम के भक्त थे मैंने कहा इन लोगों ने तो लंका में जाकर रावण और मेघनाद को शंकर की चुनौती दी यथा शंकर सहस विष्णु अज तो ही शक न राखी राम कर द्रोही जो सत शंकर करे सहाय तो, तो ही मारो राम दोहाई इस प्रकार भगवान शंकर को चुनौती देने वाले भगवान श्री राम के भक्त कैसे हो गए और तो और भगवान श्री राम ने स्वयं शंकर को चुनौती दी है यह कैसी बात हुई यथा सुनु सुग्रीव मारी हऊ हाँ बाली ही एक ही बान, ब्रह्म शरणागत गये न उबरी ही प्राण यह सुनकर पंडित जी का माथा कुछ चकराया उन्होंने कहा हां यह समझने की बात है मैंने कहा समझा दीजिए मुझको उन्होंने कहा इस पर मैंने मनन नहीं किया है आप ही प्रकाश डालने की कृपा करें मैंने कहा भगवान शंकर की बाह्य पूजा संसार में विदित है लेकिन गुप्त मत क्या है भगवान श्री राम ने जो कर जोड़ी शब्द का प्रयोग किया है जहाँ कर का अर्थ हाथ नहीं किरण है रामचरितमानस के आरंभ में गुरु वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कर शब्द का व्यवहार किरण के लिए ही किया है यथा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज वचन रवि तथा विनय पत्रिका में भी रवि कर नीर बशे अति दारुण मकर रूप तामाही इस प्रकार भगवान श्री राम ने कर शब्द का प्रयोग करके दृष्टि की युगल किरणों की मिलन का संकेत किया है युगल नेत्रों की धाराओं के मिलन से तीसरी आंख खुलती है भगवान शंकर ने यह भजन किया था इसलिए भी इसको शंकर भजन कहा गया है दूसरी बात गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में तालब्य शो और दंत्य शो में अंतर नहीं रखा है यदि दंत्य शो के ऊपर अनुस्वार देकर शंकर लिखते हैं तो शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है दो जातियों के मेल से जो संतान उत्पन्न होता है होती है उसको वर्ण शंकर कहते हैं यहाँ दो जातियों का मेल क्या है दोनों तो एक ही जाति मानव है स्त्री भी मानव जाति और पुरुष भी मानव जाति लेकिन वर्ण भेद के अनुसार जाति में अंतर है इसी तरह शंकर भजन में दो जातियों का वर्ण भेद है एक बंगाली महात्मा का वचन है बामे ईड़ा नारी दक्षिणे पिंगला करिते करीते छे खेला मध्य गुने सुषुमना विमला धर धर तारे सादरे इन दोनों ईड़ा पिंगला को मिलाओ यद्यपि ये दोनों ही चेतन धाराएं हैं फिर भी एक रजोगुनी और दूसरी तमोगुनी धारा है एक निगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है एक शीत धार है दूसरी उष्ण धार है गुरु नानक साहब की वाणी में कह सकेंगे दीन मही रैनी रैनी मही दीनी अरु उष्ण शीत विधि सोई इन शीत और उष्ण दोनों धारों को मिलाओ यह शंकर भजन है शीत और उष्ण धार के मिलन से क्या होगा बल्ब जलेगा अंत प्रकाश होगा विमल ज्ञान का विकास होगा और विषय वासना का विनाश होगा इसी दिशा की ओर इंगित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भय जड़ी छारा तीन आखे हमें भी हैं और तीन आखे शिव जी को भी अंतर इतना ही है शिव जी ने उसका प्रथम उद्घाटन किया था इसलिए उसका नाम शिव नेत्र पड़ा हम लोग भी शिव जी की संतान हैं हम लोग भी उन उसका उद्घाटन करें जब यह तीसरी आंख खुलती है तभी चितवत काम भयोजड़ी छारा होता है आंख की निस्बत प्रभु ईसा मसीह ने बाइबिल में कहा है यदि तेरी आंख एक हो सारा शरीर उजियारा होगा दोनों आंखों की धारों को मिलाना ज्योति जलाने की कला है जब तक अंत प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा चाहे कितना भी ऊंचे से ऊंचा पद पालो कितनी भी प्रतिष्ठा पालो किंतु शांति नहीं मिलेगी सुख नहीं मिलेगा जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाशा प्रकाश अरुविषय आशमन मही तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपने नाही। यह प्रकाश कहां मिलेगा और इसकी प्राप्ति होने से क्या लाभ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुनिए जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भय अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुत सुख बहुतन मन शोका जिन नहीं शोक ते कह बखाने प्रथम अविद्या अविद्याशानशानी अग उलोक जहां तहा लुकाने काम क्रोध कैरव शकुचाने विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर सुख लहे न काओ मत सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कव निह ओरा धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ए कोक अनेका यह प्रताप रवि जाके उर्ज प्रकाश पिछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पाव ही नाश जैसे दीपक के प्रकाश में फतेंगे जा जाकर जलकर मरते हैं उसी तरह अंदर के प्रकाश में सभी विकार जल जल कर विनाश हो जाएंगे आवश्यकता है अपने अंत प्रकाश को प्राप्त करने की प्रकाश प्राप्त करने का यत्न क्या है गुरु से जानो नहीं तो भटकते रहोगे रहो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं महर्षि में ही पदावली एक तो अंतर ज्योति की बात जानो और दूसरी अंतरनाद की संत चरणदास जी महाराज अंतरनाद की महिमा इस भांति गाते हैं जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा शकल भूनी अंतरनाद की साधना से इंद्रियां थक जाएंगी मन गल जाएगा विचारणी विषय है कि इंद्रियां विषयों में कैसे जाती है मन की प्रेरणा से जब नाद साधना में मन गल जाएगा तब इंद्रियों को विषयों में प्रेरित कौन करेगा इस प्रकार अंतरनाद की साधना से मन वशीभूत होता है और इंद्रियों की चपलता छोटती है नाद बिंदु परिषद में लिखा है मत मनोमत गजेंद्रश्द्यानचारिण नियम मन समर्थो यंग, निनादो समर्थोयंग निदो है अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है जो अंतर ज्योति और अंतर नाद की साधना करते हैं उसके सारे विकार शमूल नष्ट हो जाते हैं लेकिन यह आरंभ की साधना में नहीं सुनिष्पन्न अवस्था में होने की बात है साधना आरंभ काल में मन की जो दशा होती है उसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है उन्होंने रामचरित मानस में लिखा है विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने एक तो विषयी दूसरे साधक और तीसरे सिद्ध होते हैं जो विषयी होते हैं उनकी उपमा दी गई है गुबरेले मक्खी से गुबरेला मक्खी वह होती है जो पखाने की गोलियां बनाकर उनको इधर से उधर उधर से उधर उलटाती पुलटाती रहती है निकट में ही फुलवारी है जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हैं जो अपने सौरभ से आसपास को सुरभित कर रहा है लेकिन वह मक्खी उस बगीचे में नहीं जाएगी उसी तरह निकट में ही सत्संग होता है लेकिन विषयी आदमी वहाँ नहीं जाएगा साधक की उपमा हम लोगों के घरों की मक्खियों से दी गई है वह कभी मिठाइयों पर बैठकर उसका स्वाद लेती है तो कभी विष्टा पर बैठकर उसका भी इसी प्रकार की स्थिति साधक की होती है वह कभी भगवान का भजन करता है तो कभी विषयों की ओर दौड़ता है यह बहुत डवाडोल स्थिति है तीसरे होते हैं सिद्ध सिद्ध की उपमा मधुमक्खी से दी गई है जब वह बैठेगी तो फूल का पराग ही लेगी जिस तरह मधुमक्खी को फूल के पराग से अनुराग होता है उसी तरह सिद्ध को भगवान के पद पद्म पराग से अनुराग होता है जो कोई नादानुसंधान की क्रिया करते हैं उनका मन उनके वश में हो जाता है संत मत साधना के माध्यम से जो कोई चलेंगे तो चलते चलते एक दिन वे प्रभु को प्राप्त करेंगे यह सुनिश्चित है अभी आदरणीय डॉक्टर रामजी बाबू ने कहा संत मत की जो क्रिया है संत मत की जो साधना है संत मत का जो आचार विचार है उस आचार विचार को यदि कोई व्यवहार में लावे तो यह अनाचार दुराचार बेविचार कैसे होगा हो ही नहीं सकता है ये बातें उन्होंने बड़ी अच्छी और बिल्कुल सही कही हैं। वास्तव में एक पाप से भी वर्जित हो तो कल्याण हो जाएगा जैसे संत मत में झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार का वर्जन है तो इन पंच पापों में से यदि कोई झूठ नहीं बोले तो कल्याण हो जाएगा चोरी नहीं करे तो कल्याण हो जाएगा नशा नहीं ले तो शरीर की बर्बादी नहीं होगी पैसे की बर्बादी नहीं होगी जीवन की बर्बादी नहीं होगी संतजन यह नहीं कहते कि नशा सेवन नहीं करो तो उससे जो पैसे बचे वो हमको दे दो पैसे बचेंगे तो तुम्हारे पास रहेंगे तुम उसको अपने पास रखो अच्छे कार्य में लगाओ हिंसा नहीं करो आज क्या है हिंसा वृत्ति फैली हुई है क्यों इसलिए कि खान पान का संयम नहीं है आहार विहार की नियमितता नहीं है हमारे परम पुज गुरुदेव का अमोघ वचन है खान पान को प्रथम सम्हारो तब रस-रस सब अवगुण मारो महात्मा गांधी जी ने लिखा है ब्रह्मचर्य पालन करना कोई कठिन काम नहीं है लेकिन कठिन हम उसको इसलिए बना देते हैं अन्य सब इंद्रियों को तो खुली छोड़ देते हैं और एक इंद्री जो जनेन्द्रीय है उसका बांग, उसको बांधना चाहते हैं मात्र शुक्र की रक्षा को ही वे ब्रह्मचर्य नहीं कहते थे उन्होंने कहा है ब्रह्मचर्य प्राप्ति के लिए जितने आवश्यक आचरणीय नियम हैं उन सब का पालन ब्रह्मचर्य है गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी हो सकते हो परिवार में रहकर स्त्री पुरुष पुत्र पौत्र आदि के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं महात्मा गांधी जी ने भी कहा पशु चारागाह से भरपेट भोजन करके लौटना जानता है लेकिन मनुष्य अपने पेट का अंदाजा नहीं जानता यही कारण है कि मानव जनेन्द्रीय से पशु जनेन्द्री अधिक संयमित होता है जिसकी जिभ्या इंद्री वश में नहीं उसकी जनेन्द्रीय कभी भी वश में नहीं हो सकती है संत का वचन है जिब्या इंद्री एक नाल जो रोके सो बाचे काल संत कबीर साहब ने कहा है खट्टा मीठा चरपरा रस ले चारो कुतिया मिल गई पहरा किसका दे और भी घास पात जो खात है ता सतावे काम हलवा पूरी खाए जो जाने राम जो कोई संयमित जीवन बिताते हैं आचरण नियमों का पालन करते हैं वे ही साधना में आगे बढ़ते हैं और उनकी ही साधनाभूति शा, का रस मिलता है एक बंगाली महात्मा ने कहा है इस स्थिति को प्राप्त करो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पय मन सो पर रस पावे तो कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे जिसको ब्रह्म पीयूष मिल जाएगा ब्रह्म अमृत मिल जाएगा वह विषय विष पान करने क्यों जाएगा अरे जो लखपति बन गया बन जाएगा वह खाक क्यों जाएगा? वह क्यों जो करोड़पति बन जाएगा वह कौरी चुनने क्यों जाएगा? अर्थात ब्रह्म रस पाने वाला विषय रस की ओर नहीं जाएगा संत मत पंच पापों से विरत और एक ईश्वर चरण में अनुरक्त रहने के लिए बतलाता है सत्संग करने और सदाचार का पालन करने के लिए बतलाता है साथ ही संत मत की शिक्षा है पेक्षी मत बनो, अर्थात जीवन यापन के लिए पवित्र कमाई अवश्य करो यह संत मत की थोड़ी सी शिक्षा आप लोगों से कही परम पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में दिनांक एक जनवरी उन्नीस ईस्वी के सत्संग में हुआ था श्री सदगुरु महाराज की जय